कि ये स्टूडेंट्स यूनिट 7 टेस्ट मेजरमेंट एवोल्यूशन, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है टेस्ट मेजरमेंट एवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस एंड बीएमआई एंड वेस्टिव रेशियो, ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक हमारा जो टेस्ट एंड मेजरमेंट एवोल्यूशन का है वह हमारा सोमेटोटाइप्स, ठीक है ना, सोमेटोटाइप्स, ठीक है, बॉडी टाइप से ही है जो किसने डेवलप किया है, डब्ल्यू एच शेल्डन्स ने, ठीक है ना, डब्ल्यू एच शेल्डन, ठीक है, जो बॉडी टाइप्स हमारा किया है। अकॉर्डिंग टू शेल्डन ऑल एथलीट्स आर मेड अप ऑफ थ्री एक्सट्रीम बॉडी टाइप्स, ठीक है, लाइक थ्री टाइप्स की उन्होंने बॉडी टाइप्स बताई हैं, एंडोमॉर्फी, मिसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी, थ्री टाइप्स के, ठीक है ना, डब्ल्यू एच शेल्डन्स ने किया है सोमेटोटाइप्स में, ठीक है। तो एंडोमॉर्फी क्या है, जो एंडोमॉर्फिक पर्सन होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं या एथलीट कैसे होते हैं, लोट ऑफ फैट, बहुत ज़्यादा मोटा पा होता है उनमें, फैट होता है, ठीक है, और उनकी जो बॉडी होती है पियर शेप की हो जाती है, यानी अनास्पति के आकार की, ठीक है, और राउंड शोल्डर, ठीक है, और हिप राउंड, ठीक है, हमारा नेक भी हमारा शॉर्ट रहता है उसमें, ठीक है, जो एंडोमॉर्फिक बॉडी है, ठीक है, लोट ऑफ फैट, भाई फैट है उसके अंदर जो एंडोमॉर्फिक पर्सन है, ठीक है ना, और बहुत से इसमें हुआ है, ठीक है, और इसमें जो इसका इवेंट, यस, इसमें कौन कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स की कमी रहती है, जो मोटापा जो जिसका एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप होते हैं या फैट होता है जिसके अंदर, तो उसमें लेस एंडोरेंस, कम एंडोरेंस रहती है, एंडोरेंस में सहन सकते मीन्स अब वो लॉन्ग डिस्टेंस की इवेंट्स नहीं कर सकता है, ठीक है ना, उसमें एंडोरेंस का नीड होता है, ओके। हमारा स्पीड एंड एजिलिटी, स्पीड जो फैटी पर्सन है या एंडोमॉर्फिक पर्सन है या एथलीट है, वो जो स्पीड वाले इवेंट्स है वो नहीं कर सकता, और एजिलिटी फुर्ती वाले इवेंट नहीं कर सकता, ठीक है, उसमें हाँ स्ट्रेंथ होती है क्योंकि हैवी होता है, पावर होती है, और राउंड शोल्डर मसल्स होती हैं उसके, ठीक है ना, हैवी होता है, तो वो जो स्ट्रेंथ वाले गेम्स हैं, यानी कि आपका वेट लिफ्टिंग हुआ, पावर लिफ्टिंग हुआ, ठीक है, ये गेम्स ज़्यादा करते हैं जो एंडोमॉर्फिक पर्सन है, ठीक है। अब पता नहीं 11th कॉमर्स में कोई स्टूडेंट्स एंडोमॉर्फिक पर्सन होगा तो उसको हम इवेंट उसके अकॉर्डिंग ही देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंडोमॉर्फिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिसोमॉर्फिक, ठीक है। मिसोमॉर्फिक जो बॉडी टाइप्स हैं, जो एथलीट होते हैं या जो भी है मिसोमॉर्फिक, ठीक है ना, स्ट्रांगली बिल्ड होता है विद ब्रॉड मसल्स, ठीक है, चौड़ी छाती, मतलब उनका चेस्ट, ठीक है, एंड चेस्ट एंड शोल्डर मसल्स, आर्म, ठीक है ना, एंड लेग्स एंड लिटिल बॉडी फैट, ठीक है। जो हमारा मिसोमॉर्फिक पर्सन है या एथलीट है, जो उसका बॉडी होगा स्ट्रांगली बिल्ड होगा, ठीक है ना, ब्रॉड चेस्ट होगा, लेग्स बेटर होगा, मतलब फैट होगा, मतलब कि एक जितना फैट उसमें होना चाहिए लगभग उतना, ऐसा नहीं है कि लोड ऑफ फैट, मतलब एक बेटर उसका फिजिक होगा, ठीक है, उसका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा लगेगा उसका, ठीक है, एंड लेग्स एंड लिटिल बॉडी फैट, लिटिल छोटा फैट होता है वो, तो ठीक है, गुड इन ऑल स्पोर्ट्स, जिसका अभी मिसोमॉर्फिक पर्सन है या एथलीट है, ठीक है, तो वो कहता है कोई से भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट अच्छे से गेम्स कर सकता है, ठीक है, चाहे वो रनिंग इवेंट्स हो या कोई स्किल्स टीम गेम्स के अकॉर्डिंग हो, कोई भी टीम गेम हो सकता है, ठीक है। तो मिसोमॉर्फिक क्या है, इसका एक स्ट्रांगली बिल्ड है, ठीक है, अब ब्रॉड चेस्ट होती है उसमें, शोल्डर काफ़ी अच्छे मतलब ब्रॉड होते हैं, ठीक है, और लेग्स भी और आर्म भी, ठीक है, गुड इन ऑल स्पोर्ट्स, एवरेज एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उनका जो उनमें जो कंपोनेंट्स है वो एवरेज होता है, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, दे आर गुड इन ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट, ठीक है, हाँ ये हो गया आपका, ठीक है, मिसोमॉर्फिक। नेक्स्ट है हमारा एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक हमारा हैवी वेट भी हो गया, मिसोमॉर्फिक हो गया एंड एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक जो एथलीट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही थिन, यानी कि पतले होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है ना, हाइट ज़्यादा, ठीक है, लॉन्ग एंड थिन, लंबे और पतले, हाई फोरहेड, ऊंचा, ठीक है, फोरहेड, नैरो शोल्डर, ठीक है, एंड हिप्स, नैरो शोल्डर एंड हिप्स रहता है उनका, ठीक है, एंड एब्डोमेंस, थिन आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, अब उनका जो लेग हैं वो भी पतली रहती हैं और आर्म्स भी उनका थिन रहता है, पतला रहता है, ठीक है, एंड वेरी लो फैट, फैट तो उनमें है ही नहीं, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है,
जो इस टाइप्स के हमारे एथलीट या जो भी है इस टाइप्स के होते हैं भाई, लॉन्ग है, थिन है, हाई ऊंचा उसका फोरहेड है, ठीक है, और नैरो शोल्डर है, और हिप नैरो है, और लेग्स भी थिन है, एब्डोमेन सब मतलब आपका थिन है उसमें, ठीक है, एंड लिग्स लो फैट ही नहीं है उसमें। तो जो ऐसे एक्टोमोफिक हमारे होते हैं तो उसको पाइंस इवेंट ज़्यादा करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि इनमें फैट है नहीं। फैट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो एंडोरेंस एक्टिविटीज़ करते हैं, ये लेग रेस आपका 3 किलोमीटर रनिंग, 5 किलोमीटर रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंसिंग रनिंग के लिए, ठीक है ना, ये इसमें होता है एक्टोमोफिक में, ठीक है। किसके लिए होता है? जो ज़्यादातर इसमें जो होते हैं वो आते हैं एंडोरेंस वाले, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है सम ऑफ द टाइप्स हमारे जो है वो डब्ल्यू एच एल ने डेवलप किए थे, वो टाइप्स अकॉर्डिंग एथलीट के, ठीक है। इसे हमारा एंडोमोफिक, मीसोमोफिक एंड एक्टोमोफिक, ठीक है ना। जो मीसोमोफिक होता है फैट होता है उनके अंदर, पियर शेप बॉडी होती है, राउंड शोल्डर, राउंड नेक, राउंड लेग्स, ठीक है, तो फैट है, मोटापा होता है। और वो कौन कौन से गेम्स करता है? अपना जो हैवी, जो स्ट्रेंथफुल गेम जिसमें स्ट्रेंथ की नीड होती है उसमें, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ ही है ना, उसके पास स्पीड है ना ही एजिलिटी है, ओके। ऐसे मीसोमोफिक हमारा वो मीडियम साइज के होता है, मतलब एक गुड बिल्ड, ठीक है, उसकी जो बॉडी होती है वो गुड बिल्ड होता है, और ब्रॉड चेस्ट एंड ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड लेग्स, ठीक है, और ऑलमोस्ट वो एवरी सभी गेम्स खेल सकता है इजीली, ठीक है ना। जो एक्टोमोफिक जिस हमारा होता है सिंपल है, एक्टोमोफिक थिन होते हैं, पतले होते हैं, और लेग उसका थिन रहता है, हैंड्स उसका सॉरी आर्म, और ठीक है, वो ज़्यादातर जो एंडोरेंस रिलेटेड गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यूनिट 7 ख़त्म हो गया है, यूनिट 7, ओके, थैंक यू।